नमस्कार एवरीवन, आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आप हमें इस वक्त देख रहे हैं हमारे ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। हम आपको बता दें कि आज का जो हमारा सेशन है ये हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम सीखेंगे इसका पार्ट वन। हम आपको ये बता दें कि ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए नया नहीं है, वो इस पर पहले भी बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा और आगे इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। और इस पूरे टॉपिक को हम सबको समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट। आज हमारे साथ हैं मिस सविता ग्राग, जो हैं अकेडमिक कोऑर्डिनेटर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। जी हरप्रीत जी, नमस्कार। और हमारे दर्शकों को भी, स्पेशली जो हमारे क्लास 10th के दर्शक हैं, उनको भी प्यार भरा नमस्कार। जी जी, तो व्यूअर्स, आज का हम ये टॉपिक ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि किस तरह आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें देख तो रहे हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस और फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559, और साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@ciet.nic.in। और इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करें, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जी हाँ, इट इज़ अबाउट इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन अ G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all while manifesting the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. Aur is a bahut hi beautiful note ke sath hum shuruaat karte hain aaj ka hamara session. Topic hai coordinate geometry part 1. और आज के सेशन में हम बेसिकली क्या सीखने जा रहे हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में किस तरीके से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैम, प्लीज़ हमारे आप व्यूवर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि आज हम के इस टॉपिक में आज हम सब क्या सीखने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बताया कि आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही कुछ नया सीखने वाले हैं। जी, ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स को पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई पॉइंट वो कहीं पर प्लॉट करना चाहते हैं तो कैसे प्लॉट करते हैं। जी, दे नो अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, दीज ऑल थिंग्स। लेकिन आज जो नया सीखेंगे दैट विल बी टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन एक बार उससे जस्ट पहले हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या है क्लास 9 तक। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट दैट कोई भी पॉइंट अगर हमें लोकेट करना होता है, सो टू लोकेट एनी पॉइंट्स पोजीशन और टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ प्लेन ऑफ अ पॉइंट इन एनी प्लेन, व्हाट डू वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस मीन्स वी नीड एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज y coordinate. So these two words are really not new to our students. They know that there is some x coordinate, there is some y coordinate to represent any point. Right. So after this, let us discuss that the distance of a point from y axis is called either x coordinate or abscissa. अगर हमें किसी भी point का distance देखना है कि वो particular point y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है, सो दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। जी, एंड सिमिलरली अगर हमें चेक करना है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, देन दैट इज नोन एज y कोऑर्डिनेट, और उसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जी, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा लास्ट पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, बट that will be used here again and again in solving various questions. So what that is? That is the coordinates of a point on the x-axis are of the form x, 0. Dear viewers, हम एक बार ग्राफ पर प्लॉट करके भी ये दिखा देते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर हमें x-axis पर प्रेजेंट करना है तो उस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह से इफ देयर इज एनी पॉइंट ऑन y-axis, फॉर दैट पॉइंट
Here x coordinate will be 0 and this can be written as 0 comma y, क्योंकि हमने बात की है कि x coordinate 0 होगा. जनरली जानते हैं कि कोई भी पॉइंट इस तरह से लिखा जा सकता है, पहले x coordinate और बाद में y coordinate. तो अगर कोई पॉइंट हमने लिया है x coordinate पर, for that y becomes 0, और अगर कोई पॉइंट लिया है y axis पर, for that x becomes 0. Let us see the same here. मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मुझे ये पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है. Our viewers know that this horizontal axis is known as the x axis and this vertical axis that is known as the y axis. So कोई भी पॉइंट, अगर मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है, let that be 6, 8. So it is very clear कि ऐसा पॉइंट, ध्यान रखेंगे एक पॉइंट है तो आपको x is equal to 6 and y is equal to 8 प्लॉट नहीं करना, बल्कि वो पॉइंट प्लॉट करना है जिसके लिए x 6 और y 8 होगा. सो कौन सा पॉइंट है ये आप देखेंगे, आप चेक अगर करते हैं, x is equal to 6 and y is equal to 8. सो पर्टिकुलरली दिस इज दैट पॉइंट, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट P से. सो P पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड हियर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट 6, 8. For this point, what is abscissa? Abscissa is 6 and what is ordinate? Our ordinate is 8. Alright, after discussing ordinate and abscissa for the point P, let us discuss any point on our x axis. जैसे हम बात करते हैं this point 2, this is on existing on our x axis. तो x axis पर है तो simple सी बात है, हमें पता है कि equation of x axis क्या होती है, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज y इज इक्वल टू 0. यानी ये y एक्सिस का घर नहीं है, ये सिर्फ x एक्सिस का घर है. तो यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, दैट विल बी 0. देयरफॉर दिस पॉइंट विल बी नॉन एज 2, 0. इसी तरह से अगर हम कोई और पॉइंट, लेट अस टेक अ डिफरेंट कलर टू रिप्रेजेंट एनी अदर पॉइंट, दैट दिस इज अ पॉइंट एंड ऑन y एक्सिस इट इज, देयरफॉर इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज -6. और आप ये भी बोल सकते हैं दैट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज ऑलवेज x इज इक्वल टू 0. यानी कंप्लीट y एक्सिस पर x 0 होता है, कंप्लीट x एक्सिस पर y 0 होता है. जी ऑलराइट, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स हमारे स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट x is negative, y is positive, third quadrant both are negative, and in the fourth quadrant x becomes positive and y becomes negative. Alright, after discussing this, जो अभी हमें आगे करना है, further सीखना है, वो क्या है? मान लीजिए आपको कोई दो points दे दिए जाते हैं. One point is existing here. Let this is point A, and one point is existing here. This is another point B. So if you want to find the distance between both of these points, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि distance A भी हम निकाल लें, तो वो आपके लिए calculate करना उतना ज़्यादा अभी तक easy नहीं है. Either you can measure these after plotting the points on the graph, और अगर हमें graph पर plot नहीं करना, हम direct कोई formula सीखना चाहते हैं, तो आज हम वो formula सीख रहे हैं, that is known as the distance formula. So distance formula की जब हम बात करते हैं, सो सिंपल सी बात है, यहाँ हम ग्राफ में देख सकते हैं कि ए हेयर इज अ पॉइंट पी, अनदर पॉइंट क्यू, और इन दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू गिवन है. तो अगर पी से क्यू तक का डिस्टेंस निकालना है, उस डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट करने के लिए आप एक बार ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर कुछ एक लाइन्स ऐसा करके ड्रॉ की है. वन इज लाइन सेगमेंट पी एक्स वन, वन इज लाइन सेगमेंट क्यू एक्स वन, और ये पॉइंट हमने लिया है टी. लेट अस हाईलाइट आवर ट्रायंगल, हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल विजिबल हो रही है, एंड दिस ट्रायंगल इज पर्टिकुलरली पी क्यू टी. सो इन दिस पी क्यू टी ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री. आपको पता है कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, और आपको पता है कि राइट एंगल के एकदम सामने जो साइड है, दैट इज नॉन एज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल. यानी इस क्वेश्चन में अगर आपको पी क्यू कैलकुलेट करना है, आप सिंपली कह रहे हैं आप हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. जी सो हाइपोटेन्यूज आप तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपके पास बेस होगा.
बेस यानी कि पीटी डिस्टेंस होगा। तो पीटी डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट योर एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स वन, यानी कि यहाँ ये जो पॉइंट है दिस इज एक्स वन कॉमा जीरो। इसी तरह से फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट योर वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स टू, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ जितना है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, और उतना ही डिस्टेंस ये आपके पास यहाँ अवेलेबल है, यानी कि दैट इज एक्स टू कॉमन जीरो। सो अगर मैं पी टी ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, मैं इजीली बोल सकती हूँ दैट इज द डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन। सो पी टी इज एक्स टू माइनस एक्स वन। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे व्यूअर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं द हाइट ऑफ दिस परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हाइट ऑफ क्यू टी, तो वो भी एकदम से ऐसे ही होगा, लेकिन उस केस में हम पहुंच रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट पर। सो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अस 0, y1, y2, क्योंकि हमने क्यू पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट y2 एज्यूम किया है, और पी पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट है y1। सो ये पॉइंट हुआ 0, y1। सो डिस्टेंस कौन सा चाहिए हमें, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि क्यू से टी तक का, तो वो क्या हो जाएगा y2 - y1 जी। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह से हमारे व्यूअर्स बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम बोल सकते हैं दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज पी टी हियर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज क्यू टी। सो हम क्या कह सकते हैं दैट पी क्यू इक्वल्स अंडर रूट ऑफ, एंड अंडर रूट ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ पी टी विच इज एक्स टू माइनस एक्स वन इट्स स्क्वायर, प्लस क्यू टी विच इज y2 - y1 स्क्वायर। राइट, सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अभी हमने जो डेरिवेशन की है कंप्लीट समझा है, हर क्वेश्चन में डियर व्यूअर्स आपको ये करने की जरूरत नहीं है, यू विल डायरेक्ट गो विद दिस फॉर्मूला। लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन, बट बिफोर दैट एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, different type of quadrilaterals, जो आप प्रूव कर सकते हैं by using this distance formula, यानी कि distance formula के application part के लिए आपको triangles और quadrilaterals की जानकारी होना भी जरूरी है। So let us discuss right types of triangles। सबसे पहले हमने लिखा है scalene triangle। Scalene triangle is a triangle whose all three sides are different। सो ऐसी कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ बेसिकली, यानी कि एक साइड है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, अदर साइड इज 4 सेंटीमीटर, एंड द थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर, देन दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नॉन एज अ स्केलन ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल इज द ट्राइंगल इन विच, हमारे व्यूअर्स बहुत आसानी से ये आंसर दे सकते हैं, टू साइड आर इक्वल। तो अगर आपको किसी ट्राइंगल को सिर्फ और सिर्फ वर्टिसेस आपको दे दिए जाएं दैट दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच द कोऑर्डिनेट्स फॉर ए आर गिवन टू अस, कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट बी आर गिवन, एंड कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट सी आर गिवन, यानी सीधे सीधे लेंथ नहीं गिवन है। अगर आपके पास ऑलरेडी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, देन आप इजिली बता सकते हैं कि ये आइसोसेलस है क्योंकि टू साइड्स इक्वल हैं। बट आपको लेंथ ना देकर वर्टिसेस गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस प्रोवाइड किए गए हैं, तो सबसे पहले यू विल फाइंड द डिस्टेंस ए बी, यू विल फाइंड द डिस्टेंस ए सी, एंड देन बी सी, एंड देन यू कैन इजिली टेल विद द हेल्प ऑफ दोज डिस्टेंसेज कि हमारी ट्राइंगल किस टाइप की बन रही है। सो लेट अस ऑल्सो डिस्कस द नेक्स्ट टाइपोलॉजी विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसके बिगिनिंग के 4-5 अल्फाबेट्स को देखकर आपको समझ आ रहा है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें समथिंग इक्वल टाइप चल रहा हो, तो ऐसी ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज नॉन एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बहुत से एग्जाम्पल्स हमें अपनी डेली लाइफ में, रियल लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड्स जो कि शेप में होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में। सो नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ वन साइड, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे ये पी क्यू आर ट्राइंगल को राइट एंगल्ड प्रूव करना है,
तो अभी मुझे नहीं पता कि एंगल भी 90 है या नहीं है, क्योंकि प्रूफ करना है ना। तो क्या करना होगा आपको, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, किसके इक्वल प्रूफ करना होगा, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल प्रूफ करना होगा। और अगर आप ये प्रूफ कर पाते हैं, दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नॉन एज राइट एंगल ट्राइंगल। जी ट्राइंगल रिलेटेड बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला का जब यूज होगा, ये फोर टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हियर। और अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर में कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने मेंशन किया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि ऐसी शेप जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हों, और यू कैन से पैरेललोग्राम नाम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इफ आई वांट टू ड्रॉ द फिगर फॉर दिस, अ फिगर कैन बी ड्रॉन इन दिस फॉर्म, इन दिस क्वाड्रिलेटरल, इन दिस पैरेलल, आई कैन से इन दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से किसी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको बेसिकली प्रूव करना होगा दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, मीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर को जैसे ही आप इक्वल प्रूव करेंगे, दैट विल बी नॉन एज अ पैरेललोग्राम। अगर हमें प्रूव करना है किसी फिगर को कि ये एक रेक्टेंगल फ्रेम होगी गिवन फोर वर्टिसेस की हेल्प से, जो वर्टिसेस आपको किसी भी तरह से x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4 गिवन होंगे, तो इस केस में अगर आप रेक्टेंगल प्रूव करना चाहते हैं, हमें पता है रेक्टेंगल में भी अनडाउटेडली अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। जी लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है, वो क्या होती है, ईच एंगल इज अ राइट एंगल, राइट। तो ऐसा प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप पहले अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करें और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक करें कि 90 डिग्री के एंगल पॉसिबल हैं या नहीं, या फिर हम जानते हैं कि डायगनल्स इन अ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगनल्स यानी कि जैसे इस पैरेललोग्राम में अगर हम डायगनल्स ड्रॉ करें, सो ए सी एंड बी डी, दीज आर द डायगनल्स। सो दो चीजें तो हमने ऑलरेडी प्रूव की ही हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करने के बाद हम ये चीज मेंशन करते हैं दैट द गिवन फिगर इज आइदर पैरेललोग्राम और अ रेक्टेंगल, देन दैट विल डेफिनेटली बी करेक्ट। जी लेकिन अगर बेसिकली रेक्टेंगल ही प्रूव करना चाहती हूं, तो मुझे प्रूव करना होगा दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये थर्ड इक्वालिटी आपको इन एडिशन प्रूव करनी होगी, यानी कि डायगनल्स को इक्वल प्रूव करना होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अप टू हियर। जी सो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रॉम्बस। रॉम्बस और स्क्वायर बिल्कुल सेम टू सेम, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल की तरह ही चलेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ अपोजिट साइड्स आप इक्वल बोलते थे। रॉम्बस के केस में ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि इस बार आपको प्रूव करना है, अगर हम अपने क्वाड्रिलेटर को नेम दे रहे हैं पी क्यू आर एस, सो दिस टाइम वी वॉन्ट टू प्रूव और वी वॉन्ट टू से दैट पी क्यू इक्वल्स क्यू आर इक्वल्स आर एस इक्वल्स पी एस, चारों ही साइड्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल आए। अगर पी क्यू फोर यूनिट्स आ रहा है, आई एम यूजिंग द सेंटेंस और द यूनिट यूनिट्स फोर यूनिट्स, क्योंकि आपके पास अगर वर्टिसेस गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सो यू डू नॉट नो वो मीटर में है डिस्टेंस या फिर सेंटीमीटर में है डिस्टेंस, तो आप यूनिट मेंशन करेंगे, जी राइट। सो इट इज पी क्यू क्यू आर आर एस एंड पी एस। अगर ये चारों डिस्टेंसेस इक्वल है तो दैट इज अ रॉम्बस, और चारों डिस्टेंसेस अगर आपके डायगनल्स भी इक्वल आ जाते हैं, इन दैट केस दैट बिकम्स अ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के लिए आपको डायगनल्स की इक्वालिटी भी प्रूव करनी होगी। एंड द लास्ट शेप विच आई हैव रिटन हियर दैट इज अ काइट। हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि कैसी शेप को काइट बोलते हैं, हम ड्रॉ करते हैं एक शेप, ऐसी कोई भी शेप इन विच बोथ ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ये इस साइड के इक्वल हो जाए
और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए. इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज 3 यूनिट्स, दिस इज आल्सो 3 यूनिट्स, दिस इज 5, दिस इज आल्सो 5, तो अगर एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स आपको इक्वल मिलते हैं देन दैट शेप इज नॉन एज अ काइट. अगर हम अपने काइट को नेम दे देते हैं काइट, लेट मी से इट इज के आई टी ई. सो इन दिस केस इफ के ई इक्वल्स ई टी एंड के आई equals IP, mm-hmm. then we can simply say that yes, it is a kite. Okay. Further, अभी तक हमने सारा का सारा ऐसा सीखा कि कहाँ कहाँ हम distance formula को apply कर सकते हैं, और अभी हम एक question की help से देखते हैं कि इसको use करना application part जो है वो कितना ज़्यादा easy है. So the very first question here is, do the points, आपके पास points हैं 3, 2, minus 2, minus 3 and 2, 3. फॉर्म अ ट्राइंगल, क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं? देखिए व्यूअर्स, कोई भी तीन पॉइंट्स या तो कोलिनियर हो सकते हैं या तो नॉन कोलिनियर हो सकते हैं. कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पर को प्लस लाइन, यानी कि एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट्स, और नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन पर ना एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट्स. So, कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? मान लीजिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से ये देखेंगे, ए बी और इनके बीच में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, लेट मी से पी. सो इफ आई एम टेलिंग यू दैट द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, द डिस्टेंस ए पी इज गिवन टू बी 2 यूनिट्स एंड द डिस्टेंस बी पी इज गिवन टू बी 4 यूनिट्स, तो अगर आपके पास तीनों में से जो भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो बाकी दोनों डिस्टेंसेस के सम के इक्वल आ जाता है, जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं दैट AB इक्वल्स AP प्लस BP अवेलेबल हो रहा है, 6 प्लस 2 प्लस 4 आ रहा है. सो इस केस में ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे. अदरवाइज वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, और जब भी पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे अनडेफिनेटली एक ट्राइंगल फ्रेम होगी. Okay. बिल्कुल ट्राइंगल बनेगी. तो अपने क्वेश्चन में भी हमें यही चेक करना है कि ट्रायंगल बन पाती है या नहीं बन पाती. सो लेट अस ट्राई चेकिंग द सेम. स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को. हमें 3 पॉइंट्स गिवन है. इन तीनों ही पॉइंट्स को हम ए बी सी ऐसा करके कोई भी 3 नेम्स देते हैं. लेट दीज बी पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, क्योंकि चेक करना है ट्राइंगल फ्रेम होती है कि नहीं. तो तीनों के डिस्टेंसेस आपको कैलकुलेट करने होंगे, यानी यू विल फाइंड द डिस्टेंस ए बी. फॉर्मूला हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, लेट अस राइट दैट हियर अगेन, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर. सो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? यहां पर दिस इज द वैल्यू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. जरूरी नहीं है कि आप बाद वाले कोऑर्डिनेट्स को या कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी को ही एक्स टू वाई टू बोले, आप बिल्कुल ए बी डिस्टेंस को बी ए डिस्टेंस भी लिख सकते हैं. आपके घर से जितना डिस्टेंस आपके स्कूल का है उतना ही डिस्टेंस आपके स्कूल का आपके घर से भी है. चाहे आप बोलें कि घर से स्कूल का डिस्टेंस, चाहे बोलें स्कूल से घर का डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल. तो चाहे आप डिस्टेंस ए बी लिखें चाहे आप डिस्टेंस बी ए लिखें, बोथ ऑफ द थिंग्स विल बी इक्वल. So what it is? Minus 2 minus 3 square minus 3 minus 2 square. And finally, हमें clearly दिखाई दे रहा है that this is negative 5 square. Negative sign का जब भी आप square करते हैं that becomes positive and it becomes 25 plus 25. Finally, it is root 50 units. इसी तरह से अगर आप distance BC calculate करते हैं, it is easy to say that that is 2 minus minus 2. So that becomes 2 plus 2. Mm-hmm. Because 1 minus is coordinate ke paas hai aur 1 minus aapke formula ke karan aa raha hai. Plus 3 minus minus 3. And on solving the same, hum easily bol sakte hain, it is 16 plus 36, which is root 52 units. और इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस सी ए को, पॉइंट सी और पॉइंट ए का डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे, यू विल बी एबल टू सी दैट दैट डिस्टेंस इज रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, विच इज रूट टू. अब यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं. जिन भी व्यूअर्स को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि रूट ए प्लस रूट बी को रूट ए प्लस बी कभी भी
नहीं लिख सकते, ये कभी भी इक्वल हम कोई एक तो केसेस में आप ए की वैल्यू 1 ले लेते हो, बी की वैल्यू 0 लिखते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज इन जनरल ये इक्वल नहीं होते। दैट्स व्हाई √52 √50 + √2 के इक्वल तो है नहीं, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तो है नहीं, क्योंकि एक डिस्टेंस बाकी दोनों डिस्टेंसेस के सम के इक्वल नहीं है। जी लेकिन अब चेक करते हैं बी सी स्क्वायर, दैट इज 52। अगर आप कैलकुलेट करते हैं बाकी दोनों डिस्टेंसेस का सम, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, सो वहां से आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज ए बी स्क्वायर, √50² इज 50 प्लस सी ए स्क्वायर इज 2, सो दैट इज ऑल्सो 52। राइट अभी हमने बात की थी कि जब भी वन साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा, देन दैट विल बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्राइंगल, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एंड दे आस्क्ड अस द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, सो द टाइप ऑफ द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट So that's all for today, and in the next session we will discuss some more examples and we will also share section formula with our viewers. Right now we can sum up the session here, Harpreet. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझाया विद ऑल द न्यूमेरिकल्स, विद ऑल द फॉर्मूलाज। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस सेशन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक जी तो व्यूअर्स, अब समय है सेशन को यहीं पर रैप अप करने का, लेकिन हम आपको बता दें अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा दूसरा सेशन जिसका टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप ये सेशन ज़रूर देखिएगा और अपने कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और अब एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए रिगार्डिंग NCERT टेक्स्ट बुक्स। हम आपको बताना चाहेंगे कि NCERT की टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑन अ डिफरेंट सेल्स काउंटर। आप चाहें तो इन्हें ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी आप प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन टेक्स्ट बुक्स को हमारी ई पाठशाला, दीक्षा ऐप और NCERT वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और अब से कुछ ही देर में आपके लिए लेकर आएंगे हमारा अगला सेशन। तब तक के लिए नमस्कार।